तो दोस्तों आखिरकार मैं ऊँट की सवारी कर रहा हूँ। ये भाई साहब है, मुझे फ्री में ले जा रहे हैं। टेंट लगा है यहाँ पर, बस इसी में सोए थे। ये रेगिस्तान पूरा, अभी रेगिस्तान में ही सोए थे हम। अभी देखना मैं 2 मिनट में कैसे पहुँच जाता हूँ। और जो अंदर रेगिस्तान में जो वीडियो बनाते हैं उसका आवाज़ स्लो है थोड़ा, तो वो थोड़ा आपका ध्यान से सुन लेना। तो एक भाई ने तो मुझे ये बोला कि तेरे पास टिकट नहीं तो मैं दे देता हूँ। तो भाई अपनी रात तो बहुत मीडियम निकली, वैसे देखा जाए तो अच्छी भी थी, पर मच्छर बहुत थे यार। ये मेरा कैंपिंग टेंट है और मैं यही टेंट में सोया था। तो बस अब चलते हैं, क्योंकि अब हमको देखना है सन सूर्य उदय। मुझे नाम भूल जाता हूँ यार, मैं बदम खाने पड़ेंगे भाई मेरे को। तो ये अपना टेंट लगा है यहाँ पर, देख सकते हो। अभी सूरज अभी आया नहीं है, बस थोड़ी देर में आएगा। बस इसी में सोए थे। ये रेगिस्तान पूरा, अभी रेगिस्तान में ही सोए थे हम। मोस्ट ऑफ रेगिस्तान ही था। सामने कुछ कुछ थोड़ा सा दूर दुकान वगैरह थे, यानी कि पानी वगैरह लाना हो रात को तो कोई दिक्कत ना हो। तो बस पैकिंग करता हूँ मैं जल्दी से अपनी। तो सुबह हो गई है फाइनली, तो अब मैं जा रहा हूँ सनराइज देखने के लिए। तो आप देख सकते हो, और एक अच्छी बात भी हो गई, रात को मेरे को मतलब कि खाना भी फ्री मिल गया। तो कैसे मिला, तो वो जो दुकान वाले अंकल थे उन्होंने ही मुझे रात को खाना खिलाया। अभी बस दौड़ के ही जा रहा हूँ। क्या बोलते, जा 50 रुपये लगेगा। आप तो पैदल ही चला जाऊंगी। अरे 50 रुपये लगे, जब पहुँच जाओगे। अभी आ जाओ, आ जाओ। अभी देखना मैं 2 मिनट में कैसे पहुँच जाता हूँ। वो मैं अलग से करूंगा, कैमल का पूरा घूमूंगा, वरना सनसेट निकल जाएगा। एक और काम लगभग हो सकता है अपना रीमेक, वो है जीप की सफारी। सफारी तो जीप की सफारी कर सकते हैं। तो कल एक भैया मुझे बोल रहे कि तुम मेरे साथ चल लेना, बस उसका उनकी खुद की दो जीप है यहाँ पर, जीप सफारी। तो अपने को शायद वो ले जाएंगे, पर अब रात को बात हुई थी इस तरह से कुछ कि मैं तुमको ले जाऊँगा। तो अब वो अंकल है नहीं यहाँ पर, जब आएंगे तब उनसे मिलूँगा। और जो अगर अंकल नहीं आ पाए, देर से आए, तो मैं निकल जाऊँगा अपनी नेक्स्ट लोकेशन की। और तो बस कैमल राइड करनी थी, पर देखता हूँ आगे जाके वो 20 वाला भाई मिलता है कि नहीं मिलता, ना फिर छोड़ दूँगा चला जाऊँगा। कैमल राइड में कुछ इतना है नहीं खास। चलो मैं थोड़ा चाय बाय पी लूँ। अब चाय दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना आपको, तो ठीक है। तो फाइनली अब मैं जा रहा हूँ वापस जैसलमेर, और जैसलमेर से अपने नेक्स्ट लोकेशन पर जाएंगे। रामदेवरा नाम है उसका लोकेशन का। पानी का अपने पास दो बॉटल हो गया, एक भैया ने दिया और अपने एक पास पुराना था वो। तो अब यहाँ से लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, किले में वज़न बढ़ गया पता नहीं क्या है। तो बस जा रहे हैं और देखते हैं अब जाने में लिफ्ट मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि आने में तो मिल गई, किस्मत अच्छी थी मिल गई। अब जाने के लिए जाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर लोग बहुत जाते हैं तो मुझे शायद ले ही जाए। वो जो फोर व्हीलर वाले होते हैं, जो मुझे आ रहा था तब मुझे को फोर व्हीलर वाले ने लिफ्ट दे दी थी, तो वो बता उसका तो खुद का रिजॉर्ट था वहाँ पर, यहीं पास में ही था। तो ब्लॉगिंग के वजह से मेरा लिफ्ट मिल गया, क्योंकि मैं कैमरा पकड़े से ब्लॉग कर रहा था, तो भैया ने रोक लिया। अब इस बार देखते हैं किस तरह काम बनता है। और आवाज़ आ रही है बराबर से, क्योंकि माइक नहीं लगाया, क्योंकि रोड खाली है, तो अब कोई शोर इतना है नहीं, तो शायद आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगा इसमें। और जो अंदर रेगिस्तान में जो वीडियो बनाते हैं उसका आवाज़ स्लो है थोड़ा, तो वो थोड़ा आपका ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अब दोबारा कहाँ रिकॉर्ड करने जाऊँगा। वो जो मूवमेंट जो था वो था
तो चलो मैं ढूंढता हूँ लिफ्ट आगे मिल जाए बस। तो अभी अभी रास्ते में मेरे को 3 लोगों ने रोका, अलग अलग बीच ऑफर दे रहे थे। एक का सफारी का ऑफर था कि भाई जैसलमेर जा रहे तो जैसलमेर सफारी, सफारी जैसलमेर छोड़ने चलता हूँ। दूसरा भाई मैं वो दूसरा बंदा खड़ा था वो ऊँट के सवारी का बोल रहा था कि मैंने कहा कि मैं आगे बात कर ली ऐसे करके मैं निकल रहा था। तो मैं बोला वहाँ पर कोई नहीं है, सब लोग चले गए वहाँ के, आप मेरे साथ चल लो। एक दूसरे का कस्टमर छीन रहे हैं। और एक दूसरी तीसरा बंदा जो गाड़ी से जा रहा था, तूफान वगैरह थी कुछ, तो मुझको देख के रुका, बोला कहाँ जा रहे। मैंने कहा मैं तो मुझसे हुआ जैसलमेर जा रहे, तो मैंने कहा हाँ जैसलमेर जा रहा हूँ। तो चलो चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ। तो फिर मुझे पता चल गया कि सामने से कह रहा है यानी कि वो पैसा ले लेगा। तो मैंने कहा नहीं मैं अभी पहले ऊँट की सवारी करूँगा बाद में जाऊँगा इसलिए। तो और दूसरा कहना था वो कैंपिंग, आप अगर आते हो यहाँ पर तो कैंप लगा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लगाया था तो जो बंदे मेरे साथ थे हेल्प की मेरे को कैंप लगाने में और मुझसे बातें की बहुत ज़्यादा, तो वो कह रहे थे कि यहाँ हर दूसरे दिन तीसरे दिन कैंप लगता है, कोई ना कोई आता है कैंपिंग करता है। तो बस यही बताना था, आप भी आता हो कैंप हो आपके पास तो टेंशन मत लेना, कोई परमिशन की ज़रूरत है नहीं, लगा लो अपना कैंप कोई दिक्कत नहीं है। बस खाना पीना थोड़ा साथ में लेना, यहाँ मिलता तो है थोड़ा महंगा रहेगा तो अपने हिसाब से लेके आना आप खाना। मैंने केले लेके आए थे मैं, तो आप भी कुछ ना कुछ लेके आना अगर स्टे कर रहे हो। वैसे स्टे कर सनसेट वो देखने जैसा, मतलब कि आप कहीं से भी देख सकते हो, ये रेगिस्तान से देखो या अपने कहीं और माहौल से देखो कोई और जगह से, तो बस रेगिस्तान देखने में इंटरेस्ट है, बाकी सनसेट और सनराइज़ में तो नहीं देखोगे तो ऐसी कोई दिक्कत वाली नहीं है, ऑनलाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ये जो टेंट वाले जो हॉस्टल क्या कहते हैं होटल्स में हैं उसमें रात को मुजरा वगैरह सब लोग करते हैं, तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 100 रुपया 800 रुपया कुछ टिकट थी, मेरे को बोल रहा था 100, अगर रहना नहीं है सिर्फ मुजरा देखना है डांस वगैरह तो 100 रुपये टिकट लगेगी। अब वो 100 रुपये नॉर्मल है या मेरे लिए खास बोल रहा था क्योंकि मेरे दोस्त बन गए सब लोग वहाँ पर, तो एक दो एक भाई ने तो मुझे ये बोला कि तेरे पास टिकट नहीं तो मैं दे देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे रहा देख के क्या करूँगा। तो फिर मैं नहीं गया। और रात को खाना भी यहाँ कल ने खिला यहाँ पर जो उनकी दुकान थी। कल आपको मैंने ये जगह दिखाई थी, यहाँ पर अपने को बोला था 100 में से 50 किया था, वहाँ पर जो भाई खड़े थे उस बोर्ड के पास सफारी लेके उससे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 20 रुपये में चल लूँगा, तब भाई यार है ही नहीं अभी। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये अब ये 3 बज जाएंगे और उसका अभी कुछ टाइम ऐसा देर से है, तो अब इतनी देर थोड़ी बैठूंगा यार, अब इतने पैसे के लिए अब इतना टाइम वेस्ट करना नहीं है अच्छा भी सफारी। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस जैसलमेर, ये अपना रोड जा रहा है जैसलमेर, तो वहाँ खड़ा रहता हूँ और ढूंढता हूँ गाड़ी जाती है तो चलो। तो दोस्तों आखिरकार मैं ऊँट की सवारी कर रहा हूँ, ये भाई साहब हैं मुझे फ्री में ले जा रहे हैं। मैंने तो मना किया कि भाई छोड़ दो मैं अभी जा रहा हूँ, तो भाई साहब ने मेरे को कहा कि नहीं अब चलो हम दोस्त बन गए। मैंने इनसे कुछ 5-10 मिनट बात की तो मेरे साथ दोस्त बन गए, तब मेरे को ले जा रहे हैं फ्री में, तो यार बहुत बहुत शुक्रिया यार भाई साहब। तो अभी हम देखने जा रहे हैं ये रेगिस्तान को कुछ अलग ही हाइट से। तब मैं पैदल गया था, आज मुझे लगा नहीं बैठ पाऊँगा ऊँट पे, तो चलो अब ठीक है बैठ गया आखिरकार। और थोड़ा डर भी लग रहा है मेरे को पर फिर भी अच्छा है। अब देख सकते हो यहाँ से ये बहुत ही मस्त है भाई, आना चाहते हो तो यहाँ ज़रूर आना। आते वक्त मेरे को 4 या 3 गाड़ी बतानी पड़ी, जाते वक्त मेरे को 1 मिनट यार भाई यार थैंक यू यार।